छह पुरुष हो गए तो बहुत बड़ी बात हुई, और सातवें पुरुष ने भी अंतिम किनारे पे आ गया, और अब 3 लाख मिनट आपको मतलब है 3 या 4 दिन और बाकी। और इसलिए बीच में आया कि उन्होंने देखा था कि गुरुजी इस रास्ते से आए, फिर वो चले जाएंगे 200 मील दूर कहीं जाएंगे, फिर मिलना नहीं हो पाएगा, 3 लाख मंत्र जाप करूंगा तो किसको पूछूंगा जाकर के, इसलिए वो बीच में आया। और साधन मुझे दिखा कि अगर ये 10,000 मंत्र जाप और करता है तो प्रत्यक्ष सिद्धि है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब गैप इतना ही रह गया है, तो 10,000 का गैप रह गया है। मैंने कहा ऐसा करते हैं आज तुम मेरे सामने साधना करो, बस 3 लाख पूरे, 3 लाख तो पूरे नहीं कर ले, अब जितने भी होंगे होंगे चला के। और उसके बाद में वो 10,000 जो मंत्र जाप किया और उसको प्रत्यक्ष गायत्री की जो उसकी इच्छा थी पूर्ण जाजुल्यमान उनके दर्शन हुए, और वो अपने आप में गदगद विगलित ऐसा कुछ हो गया, बहुत एक भावना प्रधान, जैसे आदमी बहुत लुंज पुंज हो जाए, सारा शरीर उसका चमकने लगा स्वर्णिम वत, एक देवताओं का जो प्रभाव पड़ता वैसा हुआ। इस उदाहरण को देने का मतलब यह था कि कई बार ऐसा होता है कि आप किनारे पर खड़े हैं और आप झुंझला करके छोड़ देते हैं, कि 10,000 का गैप था बीच में। अब पिछले जीवन के पाप हो, हमारे इस जीवन के कर्म हो, वे भी बाधक तो बनते ही हैं, और वे बाधाएं जब टूटेंगी तभी उनके दर्शन हो पाएंगे, हिसाब किताब तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए उसको इतना टाइम लगा, और अगर वो 10,000 नहीं करता तो जीवन भर उसके मन में ये रहता गायत्री के दर्शन नहीं हो सकते, जीवन भर उसके मन में ये होता कि साधना में सिद्धि नहीं मिल पाती, केवल 10,000 का गैप था। और आप भी किनारे पर खड़े, और किनारे पर खड़े अविश्वास की दीवार पर खड़े, और वो अविश्वास की दीवार बड़ी भुरभुरी होती है, उसमें सॉलिडनेस नहीं होती, होगा कि नहीं होगा अब चलो कोई बात नहीं, मगर जो कुछ भी आप साधनाएं कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल पहले में आज की स्थिति में आपके बहुत अंतर है, समाज का वर्ग आपको एक अलग ढंग से देख रहा है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, बस इतना कमी है। आप किसी बुखार आया हुआ व्यक्ति को आप गुरु मंत्र जाप कर लीजिए और गुरु मंत्र जाप करके पानी पिला दीजिए, बुखार उतर जाएगा, गारंटी आप देख लीजिए। पर कभी करके देखिए तो सही, विश्वास के साथ तो करिए तो सही। आप गिलास हमने दे होगा उपवास नहीं उतरा तो क्या कहेगी ये, कितना मेरी बदनामी हो जाएगी, और ऐसा कैसे होगा, मेरे पास सिद्धि तो है नहीं, ये पानी गुरु मंत्र जाप करने से बुखार कहाँ से उतरेगा, नहीं उतरेगा, क्रॉसिंग दे देते हैं। अब आपका खुद का विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। कॉन्फिडेंस के साथ यदि कोई बड़ा तांत्रिक, कितना ही बड़ा तांत्रिक, मैं आज आपको ये आज्ञा देता हूँ, अभी तक तो मैं सलाह देता था, मैं आज्ञा देता हूँ कि ऊंचे से ऊंचा तांत्रिक आ जाए और आपके सामने आंखें फैलाए, लाल आंखें करे, कुछ भी करे, आप सीधा उसकी आंख में आंख डाल करके 4 थप्पड़ मार दे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गारंटी के साथ कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी अपेक्षा आपके पास साधनात्मक बल ज्यादा है, बल ज्यादा है, मगर आपको विश्वास नहीं है, वो आपका हित क्या कर सकेगा। आप 10 साल तक साधना की, मेरे साथ रहे, एक पारस के साथ लोहा एक बार रगड़ खा जाता सोना बन जाता था, 10 साल तक रगड़ खाने के बाद सोना नहीं बना, मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है, डूब मरने की बात है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मगर है आपको सोने और लोहे में भेद का मालूम नहीं है, डिफरेंस इतना ही है, आप उस लोहे को भी सोना कहते हैं, सोने को भी सोना कहते हैं, ये चक्कर है। इसलिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आपको कॉन्फिडेंस विश्वास की जरूरत है, साधना में आपकी न्यूनता नहीं है, विश्वास की, और विश्वास के साथ अगर आप मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस चुनौती का सामना करते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, तो आपको सफलता है। वह कोई किसी प्रकार का ऊंचा मांत्रिक और तांत्रिक और योगी और यति और सिद्ध और साधक, भूत और प्रेत और पिशाच और राक्षस आपका तो बिगाड़ ही नहीं सकते, गारंटी है, विश्वास। आज से मैं आपको यह अधिकार देता हूं, आज्ञा देता हूं, अधिकार भी देता हूं, ताकत के साथ उनका सामना करिए, कहीं भूत किसी को लगा हो आप विश्वास नहीं कर, भूत लगता ही नहीं, अगर आप ठीक गुरु मंत्र जाप करिए और मंत्र नहीं आता हो तो आप गुरु मंत्र साथ, वो एक ही तलवार आपके लिए बहुत है, वो जेतु से मूल को फूले फूले अगाए वाला खेल है, आप करिए और देखिए, वो चीखेगा चिल्लाएगा, यदि बुखार है, कोई किसी प्रकार की व्याधि, कोई तकलीफ है, समाज के किसी वर्ग को हम उनके आंसू पहुंच सके, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए, ऐसा आपने क्षमता होनी चाहिए। फिर मैं इतनी उच्च कोटि की राजराजेश्वरी आपको दीक्षा दूं, वे तरसते हैं सन्यास शिष्य, 10 साल तक लंगोटी धोते हैं और उम्मीद करते हैं कि इतने साल लंगोटी धोए शायद अब राजराजेश्वरी दीक्षा मिल जाए, और फिर कहते हैं कि बच्चे अभी नहीं, अभी साल भर और कोई बात नहीं गुरु जी, एक साल और ठहर जाएंगे, और यहाँ पर तुम्हें पंखा चलाते हैं, ऊपर लाइट लगाते हैं, बिठाते हैं, अच्छे पूड़ियां खिलाते हैं, रोटियां सब्जियां खिलाते हैं, और कहते हैं भाई राजराजेश्वरी दीक्षा ले दो, गुरु जी सब ठीक है चल रहा है।
ये डिफरेंस है, इसलिए उनको कहता हूँ वो बहुत महान है, तुम इतने महान नहीं हुए हो, वो तो बहुत महान है, उनको मैं सब कुछ, गुरु जी आप उनको देते जा रहे हैं, हमें आप रोकते जा रहे हैं, ये क्या खेल है। मैंने कहा उनको आपके लेवल पे लाना है, आपको देते आप आगे बढ़ते रहोगे पीछे रह जाएंगे, आपको रोका है उनको आगे बढ़ाया है, सब लेवल पे आ जाओ तो चल जाएगा काम। खैर आज मैं आपको राज राजेश्वरी दीक्षा प्रदान कर रहा हूँ और उसके साथ गुरु दीक्षा भी, जो गुरु दीक्षा लेने वाले हैं उनको गुरु दीक्षा भी, जो राज राजेश्वर उनके साथ गुरु दीक्षा के साथ साथ राज राजेश्वरी दीक्षा भी दोनों। और राज राजेश्वरी दीक्षा का तात्पर्य है कि जीवन की जितनी भी साधनाएं और सिद्धियां हैं, जितने भी मंत्र हैं, जितने भी प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को प्राप्त करने के बाद में गुरु उनको दीक्षा देता है, राज राजेश्वरी अधिकार देता है कि तुम अब इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो और ये शक्तियां तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, साइड इफेक्ट नहीं दे सकती, अनुकूलता ही दे सकती है और समाज में तुम्हारा कद, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा प्रभाव ऊंचाई पर उठे, लोग एहसास कर सके कि ये कोई व्यक्तित्व तो है और उसके माध्यम से तुरंत, क्योंकि सिद्धाश्रम जाने की जो राजमार्ग है वो राज राजेश्वर दीक्षा के पास से ही प्रारंभ होता है, वो वहां तो आपको आना ही पड़ेगा, वो दीक्षा तो आपको लेनी पड़ेगी, दीक्षा लेने के बाद ही सिद्धाश्रम की ओर आप बढ़ सकते हैं। और सिद्धाश्रम में बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कोई सड़क है और सड़क पे आप पांव रखकर कार चला रहे हैं और तेजी से सिद्धाश्रम पहुंच गए, ये कंफ्यूज खत्म, वो तो आपका एक शरीर सूक्ष्म बना है और गुरु के साथ गए और वापस उस शरीर में आए, ये शरीर आपका 5 फुट का है, ये वापस अंगुष्ठ के आकार का भी होता है और वहां जाता है वापस इसी लेवल का पूरा बन जाता है कंप्लीट। और ठीक जैसे आप यहां बातचीत कर रहे हैं उसी ढंग से आप बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और वापस अपने शरीर में आ रहे हैं, ये राजस्व दीक्षा से, दीक्षा के बाद वह रास्ता प्रारंभ होगा। तो अगली जब भी कोई प्रयोग होगा तब मैं सिद्धाश्रम के प्रयोग समझाऊ रहा हूं, इसलिए मैंने वो योजना प्रारंभ की थी, उसके पीछे ये कि शायद मुझे आपको, आप में से कुछ लोगों को जोधपुर बिठा करके साधना करवानी पड़े, हो सकता है दिल्ली में बिठा करके साधना करवानी पड़े, 5 दिन तक मुझे अपने साथ रखना पड़े, या आपको जो कार्ड है तो मुझे ध्यान है कि ये लोग हैं इनको मुझे ऐसा करना है, निश्चय ये कहता है 100 व्यक्तियों से ज्यादा मैं इस योजना में शामिल नहीं कर पाऊंगा। आज भी मेरी यही निर्णय है कि इससे ज्यादा मैं लोगों को संभाल नहीं पाऊंगा, शिष्यों को नहीं संभाल पाऊंगा, तो जो भी पहले 100 होंगे उनको मैं गाइड करता हूं, तो उन बाकी 1000 लोगों के लिए 100 आदर्श तो बनेंगे, ये तो उदाहरण बनेंगे कि ये 100 हैं, अगर इनको सफलता मिली है तो फिर हमको भी मिलेंगी और आने वाली पीढ़ियों को एहसास होगा कि उस निखिल स्वानंद के समय में इन 100 लोगों को सिद्धियां मिल गई थी तो हमें भी मिलेगी मिलेगी, ये उदाहरण है, ये आदर्श है, आप सबको मिल सके ऐसा मैं चाहता हूं। सीधे बैठे आप और सबसे पहले गणपति को स्मरण करें, हाथ जोड़ें, जब मैं गणपति स्मरण कहूं तो आपके सामने गणपति का चित्र आना चाहिए, बिंब आना चाहिए, बस साधना है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय विलंबो उदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय शिग्र विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विघ्नाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यान्म उमामहेश्वराभ्यान्म शचिपुरंदराभ्यान्म मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः वाणी हृदयग्रभाभ्यान्म अस्तिपुरंदराभ्यान्म सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः तत्रादूतां राजराजेश्वरी दीक्षां चिद्दिदास्ति राजस्य दीक्षायां प्रारब्धे गुरु साक्षिणे तत्रादौ पूर्व सा चैतन्यम अथा स्वामी सकृते कल्याण त्वं सां पूर्वं शिखाबंधनम अपनी चोटी की गांठ को मानस्तोक नयमान आयुषमानो गोकुमानो अश्वेकुमानो वीराम ब्रह्मानो वदिरे अवगुण सुमित्वा हवा महे तत्रा दुषाम वायवेन संकल्पम कुरियात वायु से जल लेकर के संकल्प करिए। अब हाथ ऐसा करिए सीधा जैसे इसमें जल है ऐसा भावना, यहाँ तो खैर मान लो आप जल ले भी लेंगे मगर कल को आपको हिमालय में जाकर साधना करनी पड़ेगी, जल कहाँ से आएगा, वहां फूल कहाँ से आएंगे, वहां चावल कहाँ से आएंगे, वह मंत्रात्मक जल हो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादौ सप्त तीर्थस्थलं सा जलं प्राप्तेत तत्रादौ संकल्पं कुर्यात। ओम विष्णु 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 भारत श्री बरखंडे जम दीपे शालिमा साखे बोधा अवतारे समस्त समस्त को सुमत द्वादश सुमत 2049 आसन मासे श्री शुक्ल पक्षे
आज तो उसने पूर्वादासवाम चिंतियां पूर्वासाम कल्याणतम दीर्घ आयुष्य आरोग्य ताम पूर्वा राजस्वी राजराजस्व दीक्षायाम प्रारब्ध देशाम सिद्धासम प्राप्ति सर्व सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धय सा पूर्णत्व सिद्धि प्राप्ते तम सा चिंतयामी अतः निखिलेश्वर नंदाम की साक्षी रूपेण सा अन्य सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम साक्षी रूपेण सा चिंतयामी पूर्ण सिद्धि प्राप्त अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए ताम पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम तस दिन स चैतन्यम स दीक्षायाम प्रातितुभ्यम समर्पयेत छोड़ दीजिए सूर्य प्रार्थिएत सूर्य को प्रणाम कर दिए आ कृष्ण सवर्तमानो निवेश हिरण्यस्मितार्थिना देव याद गुणान विशिन्न सूर्यताम तचक्षुदयहित पुरस्ता चुक्रमुचरत पश्येम शरद संजीवीम सदगुस्मियाम सद सतम पद्वाम सुदम सूर्य साक्षी तत्म तुभ्यम संप्रदय दस दिखपालम दसों दिशाओं को आप प्रणाम करिए पूर्व इंद्राय नमः इंद्रसंचरण नमः भो इंद्र तत्वज्ञाय नमः कुबेराय नमः विष्णुय नमः सिद्धये नमः सा चिंत्याय नमः समस्तम विष्णुय नमः पातालम पातलाय नमः सा समस्त देवताभ्यो नमः सा पूर्वा सिद्धिं तुभ्यं संप्रदे आप नीचे कर लीजिए अब तिलकम कृत्वा अपने खुद के तिलक करिए दोनों आंखों के भवों के बीच में नमो सुनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्ष रूपावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि धारणे महर्षि गंधाम पांतु तत्र दुस्त प्रक्षालनम आदो दीजिए एम आपके सामने पूजन सामग्री जो है या जो नारियल है या जो पूजन सामग्री है उनके ऊपर जल से उनको स्नान करवाइए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पंचपात्र आसमनी आपको लेनी चाहिए और कल आप मैं विशेष पूजन करवाऊंगा और पात्र आपके पास होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए और आगे भी पूजन में काम आएंगे। ओम वरुणश्योतम उन सब पर आप जल ओम वरुणश्योतम भरमसी वरुणकम सिद्धिस्थो वरुणश्य रेता सदन्य से वरुणश्य रेता सदमा सीधा वरुण स्नानम समर्पयामी ना वरुणान्ते पय स्नानम दूसरे स्नान पय स्नानान्ते दधि स्नानम दधि स्नानान्ते घट स्नानम मधु स्नानम शर्करा स्नानम पंचामृत स्नानम समर्पयामी नमः ओम पंच नद्यापि सतपंचदासो देशे भवस्त पंचम स्नानम समर्पयामी नमः शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवाद सर्वशुद्धवाद ओम मणिवादस्तासिन श्वेता श्वेताक्षो वंशे रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवलिप्ता रौद्रोन्वाह शुद्ध स्नानान्ते कुंकुम विलेप्य कुंकुम का बिंदु लगाइए कुंकुम केसर चन्नाम गुरु कर्पूर कस्तूरी कुंकुमानितम सविलेपनम तुभ्यम सावता पूर्वा प्रसन्ना स्म भव सा कुंकुम समर्पयामी नम नमस्ता पूर्वा अथास्मान सा तुभ्यम समते पूर्वा कुंकुमान अक्षत समर्पयामी नम ओम अक्षन्नमी मंदत हृदयाम अधुखत अस्तौ खत स्वभानव विप्राण विष्टयाम अक्षर समाक्षनाते पुष्पम समर्पयामी नम सुमाल्यानी सुगंधीनी मालित्यादीनि प्रो मया तानि पूजाति पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नम पुष्पान्ते धूपम समर्पयामी नम धूपान्ते दीपम समर्पयामी नम दीपान्ते निवेद्यम समर्पयामि नम ओम नाभ्या आशीदंतरिक्षम शीष्णो देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशा स्रोतांता लोकां अकर्पयन् नः प्राणायश्वा पानायश्वा ध्यानायश्वा समानायश्वा भक्ष्य भोजले जधेनु मुद्रां प्राण मुद्रां प्रदर्शय निवेद्यान्ते प्रदक्षिणां हाथ जोड़ दीजिए यानि कानि च पापा निर्ज्ञाता ज्ञातकतां च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसंभव त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपाप विनुभे तां पुरुषां अथास्मानं सचिन्तयामि अथास्मानं सकृते प्रार्थ्येत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम् साम्युचित महाकाली महालक्ष्मी महासुदेशाम सिद्धेशाम सिद्धेशाम सिद्धिस्माय पूर्वा अथास्मान् सचिन्ति शक्तिपात्म कुर्याताम पूर्वा सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। अब आप सीधे बैठ जाएं, मैं अपनी शरीर की शक्ति के माध्यम से तपस्या के माध्यम से आपकी साधनों में सिद्धि प्राप्त हो इस प्रकार प्रयोग कर रहा हूँ। आपके बनियान अगर किसी के पहना हुआ तो खोल दें, समाप्त है आपका, बस यूँ समझ लीजिए जब तक आप निष्कंप हैं तब तक मेरी शक्ति आप में प्रवाहित है। अगर आपने एक तिल भर भी आप हिले तो उसके बाद में आप बड़े सोते रहें और खड़े रहें वो यूजलेस है, इसलिए आप निष्कंप भाव से बैठे। निष्कंप मतलब हिले नहीं बिल्कुल। मैं मंत्र बोलूंगा भी और आप जहां भी हों आप मेरे नेत्रों की तरफ देखें और अगर पीछे लोग हैं उधर ऊपर तो पीछे के लोग खड़े हो जाएं, आगे के लोगों को दिखाई दे रहा है, पीछे के लोग नहीं दिखाई दे रहा तो खड़े हो सकते हैं। कोशिश आप ये करें कि आप एक बार मेरे नेत्रों को देख लें और उसके बावजूद भी मंत्र तो ही यानी मेरे नेत्रों की शक्ति है, मंत्रों के माध्यम से मंत्रों के पंखों से आपके पास पहुंच रही है। ये तो आप मान लो 200-500 हैं, जहां 1,00,000 साधक होते हैं वहां संभव नहीं होता। 1,00,000 तो 50,000 गज दूर बैठे होते हैं, उनके दिखता ही नहीं है।
तब भी मंत्रों के माध्यम से वह शक्ति पहुंचती है, इसलिए वो चिंता मत करिए। हरि ओ परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।